वीडियो में यूफोर्बिया मिली प्लांट केयर के बारे में बात करने वाली हूँ। इसको क्राउन ऑफ थॉर्न्स भी कहते हैं। इसके लीव्स जो है ओवल शेप में रहते हैं और इसके स्टेम में थॉर्न्स रहते हैं। तो ये मिनिएचर वेराइटी है, इसीलिए प्लांट काफ़ी छोटा है और इसके फ्लावर्स भी आप देख सकते हो, काफ़ी टाइनी फ्लावर्स है। इसमें आपको रेड कलर, वाइट कलर, पिंक कलर, इसमें येलो कलर भी रहता है। इतने सारे वेराइटीज़ आपको मिल जाते हैं। तो इस प्लांट को सैंडी सॉइल पसंद है, तो जब भी आप सॉइल मिक्सर बनाओगे तो उसमें गार्डन सॉइल 50% लीजिए और 50% सैंड लीजिए। थोड़ा सा कॉम्पोस्ट आप ऐड कर सकते हो। और इन प्लांट्स को फर्टिलाइज़र इतना ज़रूरी नहीं है, बगैर फर्टिलाइज़र भी प्लांट काफ़ी अच्छे से चल जाते हैं। और इनको वार्म कंडीशंस पसंद है और ड्राई क्लाइमेट पसंद है, तो इन प्लांट्स को आप फुल सनलाइट आप प्रोवाइड कर सकते हो। और इन प्लांट्स को समर सीज़न में आप सिर्फ आफ्टरनून का जो हार्श सनलाइट रहता है उससे सेव करके रखिए। विंटर सीज़न में भी फुल सनलाइट में अच्छे से चल जाता है। सिर्फ विंटर में अगर आपके यहाँ पे रात के टाइम ज़्यादा ठंड पड़ती है तो उस टाइम पे आप इसको ऐसे जगह रखिए जहाँ से इसको सिर्फ ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट मिल सके, क्योंकि फ्रॉस्ट क्लाइमेट जो रहता है उसको टॉलरेट नहीं कर पाता है प्लांट, क्योंकि सकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है। अभी हम बात करेंगे इसका प्रोपगेशन मेथड। इसको सिंपली आप थोड़ा सा 4-5 इंचेस का स्टेम कट करके आप इसको थोड़ा सा उसमें से सैप निकलता है, थोड़ा सैप सूखने के बाद आप इसको मिट्टी में लगा दीजिए तो इजीली प्रोपगेट हो जाता है। एंड इन प्लांट्स को ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है, ये प्लांट इतना डिमांडिंग नहीं है इन टर्म्स ऑफ वाटर फर्टिलाइज़र। तो आप वाटर भी आप इसको जब टॉप सॉइल 1 इंच सूख जाती है उसी टाइम पे वाटरिंग कीजिए। ओवर वाटरिंग करने से ये प्लांट गल जाता है और ओवर फर्टिलाइज़र करने से भी प्लांट ख़राब हो जाता है। तो फर्टिलाइज़र आप सिर्फ इसको NPK बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र दे सकते हो या सीवीड भी दे सकते हो या मंथली वंस थोड़ा सा कॉम्पोस्ट भी आप इसको दे सकते हो। तो इसका केयरिंग टिप्स बहुत ज़्यादा ईजी है और बिगिनर्स के लिए प्लांट काफ़ी अच्छा है एंड ए ब्यूटीफुल ऑर्नामेंटल प्लांट है। तो आई होप आपके वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।